यार अंकिता, आज कैसा लगा शॉपिंग करके? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा यार। इतना फिजूल खर्च करते हो तुम हर महीने 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख पैसे तो ऐसे उड़ाते जैसे हवे में पेड़ पे उग रहे हो। सीरियसली इतना कौन पैसे बर्बाद करता है यार? मुझे समझ में नहीं आता। तुम्हारे पास पैसे हैं, उसकी कदर करो, उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, और ज्यादा ही पैसे आ रहे तो किसी को दे दो। इतना बहुत ज्यादा बेकार लगता है मुझे। पता है तुम्हें, लोगों को ये लगता है कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ पैसों के लिए हूँ, और तुम मुझे कितना गलत साबित करते हो लोगों की नजरों में। यार अंकिता, क्या बात कर रही हो यार, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकती। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए तो कमाता हूँ, तुम कहो तो मैं तुम पे करोड़ खर्च कर दूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने इतना माइंड पे मत लो, और किसी की बातों में भी मत आना। तुम मेरी हो और मैं तेरा, और मैं तुम्हारे लिए तो जान भी दे दूंगा, ये तो कुछ भी नहीं है। अरे नहीं, मुझे आपकी जान नहीं चाहिए। हाँ मुझे पता है आप मुझसे प्यार करते हो, मेरी रिस्पेक्ट करते हो, आपकी लाइफ में मेरी बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत ज्यादा मैटर करती हूँ आपकी लाइफ में, ये सब मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। लेकिन फिर भी मेरे माइंडसेट से, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ के आई हूँ और आप एक हाई क्लास फैमिली से, दोनों में डिफरेंस है। और लोगों को तो यही लगेगा ना कि एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की अगर एक हाई क्लास में आई है तो उसे पैसों के लिए आई है। जिस तरह से आप पैसे खर्च करते हो ना, दिस इज नॉट डन जस्ट बिकॉज पैसे। मुझे पता है कि एक एक रुपए की क्या वैल्यू है। आप खुद को देख रहे हो कैसे पैसे उड़ा रहे हो। और दूसरी चीज ये, ठीक है आपको अच्छा लगता है मुझे शॉपिंग कराना सब कुछ तो इट्स ओके, बट इतने बड़े बड़े शोरूम में आके, मॉल में आके, वही जो हम मार्केट से, दुकानों से सस्ते में खरीद सकते हैं, उसकी 4 गुना कीमत देते हो आप। आज आप पे मुझे इतना गुस्सा है ना कि एक लहंगा जो कि दुकान से सिर्फ 5 से 7 हज़ार में मिल जाता है, उस लहंगे की कीमत आपने सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये दी। मुझे कितना ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि मुझे पता है कि मॉल और शोरूम में कितना ज़्यादा महंगा मिलता है और कितना कॉस्टली रहता है। फिर भी मुझे बिल्कुल आपकी आदत अच्छी नहीं लगती, अपनी जिद हर बार इन सब चीज़ों में मनवाते हो। यार अंकिता, तुम बिना कैसी बातें करती हो, मैं ना तुमसे प्यार करता हूँ। और रही बात तुम पे पैसे खर्च करने से पहले ना, मैं बिल्कुल नहीं सोचता, मुझे ना तुम पे बहुत भरोसा है, ठीक है ना? और तुम ये क्या बात कर रही हो, हाई क्लास मिडिल क्लास, ये सब क्या चलता है यार? तुम बीवी हो मेरी, मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगा कि और क्या पड़ोसन के लिए करूंगा? लव यू यार बाबू, ऐसे क्यों बोलते हो आप? रुको अंकिता, ओए लड़की निकले यहाँ से। अरे क्या हो गया, उसे कुछ पैसे तो दे रही हूँ खाने के लिए, भूखी है बेचारी, कुछ खा लेगी। और वैसे भी हमने इतने पैसे वेस्ट किए हैं, वो भी फालतू में, फिजूल में। उसके मुकाबले तो ये सिर्फ कुछ ही नहीं है ना, ये तो सिर्फ चींटी मात्र है, दे देने दो ना, क्या दिक्कत है? यार मुझे इससे क्या मतलब है, मेरी कौन सी रिश्तेदार लगती है? और हाँ, मैं ना तुम्हारे लिए काम करता हूँ, इसके लिए थोड़ी ना करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई बात समझ में? वो लड़की तू निकल यहाँ से। वैसे भी अगर इन जैसे गरीबों को पैसे दे दूंगा ना, तो मैं खुद रोड पे आ जाऊंगा, ठीक है ना? कल को वही बात है अंकिता, एक बात बताओ, कल को मेरा कोई दोस्त देखेगा मुझे, ये भिखारन मेरे गाड़ी के पास खड़ी है, मेरी इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा कि मैं भिखारियों को पैसे बांट रहा हूँ? मेरे इतने सारे बिजनेस है, तुम्हें मैं लाख लाख, दो दो लाख की शॉपिंग कराता हूँ, मैं पागल वागल थोड़े ना हूँ यार। तुम्हारे लिए करूंगा जो भी करूंगा, मुझे और किसी के लिए नहीं करना, ठीक है ना? अरे तुम्हारे दोस्त यार, इन सब में बिजनेस कहाँ से आ गया? इस बेचारे की छोटी सी हेल्प ही तो कर रही हो, और तुम्हें तो पता है ना ये मासूम सा बच्चा वही खा पाता होगा जो ये माँ खाती है, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना इतने छोटे से बच्चे सिर्फ माँ का दूध पीते हैं, और जो बच्चा माँ का दूध पीता है, माँ ही कुछ नहीं खाएगी तो वो बच्चे को अपने क्या ही खिला पाएगी, ये चीज तो समझो ना। देखो मुझे आपकी बात सब समझ में आ रही है कि आपके इतने सारे बिजनेस हैं और दोस्त में इमेज, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप मुझसे प्यार करते थे तो आपने उस टाइम भी तो ये नहीं सोचा ना, उस टाइम भी तो लोगों ने बातें बनाई होगी, आपके दोस्तों ने बातें बनाई होगी कि जिस लड़की से तुम प्यार करते हो, जिससे तुम शादी कर रहे हो, वो सिर्फ तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसों के लिए है। उस टाइम भी तो तुमने अपने दिल की सुनी थी ना, और क्या हो गया 10-20 या 2,000 रुपये? सोचो अगर हमने 50,000 की शॉपिंग की ही है, अगर हम 2,000 रुपये और खर्च कर दे रहे हैं, तो ना तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा ना मेरा कुछ बिगड़ेगा, बल्कि उल्टा इनकी दुआ और मिलेगी। और वैसे भी, और तुमने तो सुना ही है ना, मम्मी जी भी यही कहते हैं, किसी गरीब को देना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है, किसी भूखे को खिलाना मतलब बहुत ज्यादा पुण्य का काम होता है। और वैसे भी मैं वही चीजें तो कर रही हूँ ना, मम्मी जी की बातों का मान रख रही हूँ, मम्मी जी भी होती तो वो यही करती, मैं भी वही कर रही हूँ, सिर्फ पैसे दे रही हूँ ताकि बेचारी कुछ खा ले और इसी बहाने वो अपने बच्चे को कुछ खिला दे। यार तुम्हारी बात तो ठीक है अंकिता, और जो तुमने मम्मी जी की बात बोली ना, वो तो मुझे भी याद आ गई, मुझे भी अच्छा लगा। मैं इन जैसे फटीचरों को थोड़े ना पैसे दूंगा, मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग, आई बात समझ में? और कोई मेरी गाड़ी के पास भी ऐसे लोग खड़े होंगे ना, तो भी मुझे चिढ़ होती है, ठीक है ना? और रही बात पैसों की, तो मैं इनके लिए थोड़े ना कमाता हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए कमाता हूँ, तुम्हारे पे उड़ाऊंगा, चाहे करोड़ों चाहे लाख हो, ठीक है? मेरे घर वाले खुश है, तुम खुश हो, इन जैसों की दुआएं लेने लग गया ना, तो मैं रोड पे आ जाऊंगा, मेरे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा तुम जानते भी हो,
मुझे इन जैसों की दुआएं नहीं चाहिए, मेरे माँ बाप खुश है और तुम खुश हो, तुमसे प्यार करता हूँ और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर ये दुआएं मांगती है ना तो अपने लिए दुआएं मांग ले, मेरे लिए ना मांगे, भगवान का दिया हुआ ना, मेरे पास सब कुछ है, अच्छी बीवी है, माँ बाप है, पैसा है, बिजनेस है, और क्या चाहिए मुझे। इन जैसों की दुआएं लगने लग गई तो फिर तो काम बन गया इस दुनिया में, मुझे नहीं चाहिए ये सब। ओए सुन, निकल यहाँ से, ज्यादा ना मेरी बीवी को भड़काने की जरूरत नहीं है, नहीं दे रहे कोई पैसे वैसे तेरे को। यार अंकिता बहुत बकवास करती हो तुम्हें, तुम्हें ना समझा समझा के थक गया हूँ, तुम्हारे पे ज्यादा पैसे हो रहे हैं क्या? मैं तुम्हें पैसे देता हूँ इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम ऐसे उड़ाओगी इन जैसे गरीबों पे। कितनी मेहनत लगती है तुम जानते भी हो, 24 घंटे 48 घंटे मैं काम करता हूँ, दिन रात एक करता हूँ, आउट ऑफ दिल्ली जाता हूँ, बहुत काम करना पड़ता है, ऐसे पैसे नहीं आ जाते, बहुत सी मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है, बिजनेस चलाना पड़ता है, कौन कैसा क्या करना सब देखना पड़ता है, एक एक चीज का हिसाब रखना पड़ता है, और तुम्हें क्या है, तुम्हें तो पैसा मिल रहा है, तुम तो उड़ा रही हो। ठीक है, प्यार करता हूँ ना इसका मतलब मेरा फायदा मत उठाओ, ये जो 2000 रुपए ना चुपचाप जेब बैग में डाल लो, किसी भिखारी को देने की जरूरत नहीं है, आई बात समझ में? और हाँ, बहुत हो गया। नहीं नहीं, एक काम करते हैं ना, हमारी जब से शादी हुई है 2 साल में, यही पास वाली टपरी पे हम चाय पी के, पाओ तुम्हारे फेवरेट है ना, वो लेके आती हूँ। और हाँ तुम जाओ यहाँ से, ऑलरेडी तुम्हारी वजह से मेरा और मेरे हस्बैंड की भी बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई है। सॉरी यार। यार मेरी बीवी को मैंने सुनाया ना अच्छा नहीं लगा, वैसे भी मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। यार अंकिता, इतना टाइम कहाँ लग गया? अरे मैंने बोला था पाव लेने के लिए, पर उनके पास था ही नहीं, उन्होंने बोला मंगा देता हूँ, फिर मैंने बोला टाइम लगेगा, मैंने उन्हें टाइम दिया अभी, फिर वो कह रहा नहीं मिल पाया। अच्छा तो मुझे पागल बना रही हो, शीशे में ना मैंने सब कुछ देख लिया। भूख लगी थी ना? हाँ मेम साहब बहुत भूख लगी है, लेकिन आप अब क्यों आई है, जब तो आपने मुझे भी भगा दिया। और हाँ आप गलत नहीं थी, जैसा आपके पति कहेंगे वैसा ही तो आप करेंगी ना, क्योंकि औरत जात तो होती है पति के भरोसे। ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे हस्बैंड का माइंडसेट थोड़ा चेंज है और मेरा चेंज है, उनको स्टैंडर्ड मैटर करता है और मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। गरीबी क्या होती है, मजबूरी क्या होती है, कोई भी इंसान ऐसे अपनी मर्जी से भीख नहीं मांगता, और तुम्हारी मजबूरी समझ सकते तुम्हारा बच्चा, उसका पेट भरने के लिए। हाँ अब ये बिस्किट तुम भी खा सकती हो और पानी में डिप करके अपने बच्चे को भी खिला सकती हो। मेरा बच्चा तो 2 महीने का है, ये कैसे खाएगा, जो मैं खाती हूँ बस वही ये खाता है, क्योंकि जो माँ खाती है उसी से दूध बनता है और फिर ये पीते हैं। एग्जैक्टली, तो एक काम करना ये तुम खा लेना, और मैं डेली इसी रास्ते से क्रॉस होती हूँ तो मेरी दुकान से मैंने बोल दिया जो खाना हो ले सकती हो, हर महीने के एंड में आके मैं बिल पे कर दूँ। लेकिन इससे आपके पति को तो कोई ऐतराज नहीं है ना? देखो ऐतराज तब होगा ना जब उन्हें मैं बता के करूँगी, और बिना बताए कर दिया तो वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, वो उसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि ना चाहते हुए भी मेरी हर बात से एग्री कर जाते हैं। ख्याल रखना अपना, बस क्यूट से नन्ही सी जान का, चलती हूँ। बहुत भली है मैम साहब, काश ऐसे लोग और भी होते इस दुनिया में, सिर्फ कोई मुझ जैसा गरीब नहीं होता। अच्छा कोई बात नहीं, मैंने सब देख लिया कि तुमने कैसे उस गरीब की मदद करी, और हाँ तुम सुधर ही नहीं सकती, मैं तो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता, मैं तुमसे कभी जीत नहीं सकता, तुमसे इतना जो प्यार करता हूँ ना, तुम्हारी हर बात माननी पड़ती है मुझे। Oh, so cute.